साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे न्यू फोर्स सोप। साथियों क्लोट्राइमाजोल सोप 1% इसका कंपोजिशन है, जेनरिक नेम भी कह सकते हैं। साथियों ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है, सोप है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। साथियों ये 95 रुपीज 80 पैसा इसका MRP है। साथियों न्यू फोर्स सोप के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, साथ ही साथ यूजेस की बात करेंगे, साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे, कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे, प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे, एंड हाउ टू वर्क, कहने का मतलब है मूड ऑफ एक्शन ये वर्क कैसे करता है, एंड डायरेक्शन फॉर यूज, इंट्रक्शन एंड कंपोजिशन की बात करेंगे। साथियों न्यू फोर्स सोप जो है इज एन एंटी फंगल मेडिकेशन है। साथियों दिस इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। स्किन में जो है फंगल का विकार हो जाता है, जैसे सच एज रिंग वर्म, जैसे जिसको हम दाद कहते हैं, दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है, अकौता हो जाता है, या किसी तरह से स्किन का विकार है जैसे कि डर्मेटाइटिस हो जाती है, या एथलीट फूड हो जाता है। एथलीट फूड साथियों क्या होता है कि जो पैर और हाथों के बीच की उंगलियों में इचिंग होती है और स्किन निकलने लगती है, ऐसे केस को हम एथलीट फूड कहते हैं। एंड नैपी रैसेस, छोटे बच्चे होते हैं क्या होते हैं कि वो जो है, या बड़े लोग होते हैं जैसे गीले कपड़े पहने रहते हैं और उनके रैसेस वगैरह पड़ जाते हैं, या जो है डायपर का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से, या स्वीट रैस साथियों ये होता है कि जैसे कि पसीना निकलता रहता है, उससे इचिंग होती है, रेडनेस होती है, और शरीर में जो क्या होता है हाथ पैर में जो है बगल में इस तरह से घर्षण होता रहता है, उससे क्या होता है कि स्किन का विकार हो जाता है, ऐसे केस में इसका इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। साथियों बहुत ही अच्छा ये सोप है। साथियों महिलाओं में जो है वेजाइनल थ्रस, वेजाइनल किसी तरह का विकार होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, और दाज, खाज, खुजली, किसी तरह का स्किन का इन्फेक्शन है उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इट किल्स दी फंगी, फंगस को जो है क्या होता है किल्स कर देता है बाय डिस्ट्रॉइंग दी फंगल सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन उसकी होती है उसको डैमेज कर देती है ये जो है न्यू फोर्स सोप जिसके अंदर क्लोट्राइमाजोल मिला है। साथियों जो ये सोप है इसके अंदर जो कंपोजिशन है क्लोट्राइमाजोल है, बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड एंटी फंगल एजेंट। साथियों एंटी फंगल एजेंट क्लास का ये जो है सोप है। साथियों ये तो इसके डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, इसके यूजेस की बात करेंगे, संक्षिप्त में बताएंगे। साथियों ट्रीटमेंट ऑफ एथलीट फूड, जैसे कि हाथ पैर में बारिश में या इस तरह से क्या होता है कि उंगलियों के बीच में स्किन निकलने लगती है, इचिंग होती है, और जो है क्या होता है रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लामेशन होता है, और जो है क्या होता है कि खुजली करने का मन करता है, तो ऐसी कंडीशन को एथलीट फूड कहते हैं। रिंग वार्म जहाँ पे दाद, खाज, खुजली हो जाती है, एंड कैंडिडियासिस एक तरह का जो है क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, या जॉकिच साथियों क्या होता है कि जो उंगलियों के बीच में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग होती है, ऐसे केस में क्या होता है इस सोप से नहाने से जो है इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन दूर हो जाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है साथियों, नैपी रैसेस होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, स्किन रैश हो जाता है, स्वीट रैश हो जाता है, पसीने से जो है क्या होता है कि गर्मियों में जो है इचिंग होने लगती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड साथियों महिला एवं पुरुष के जननांग में जो है फंगस इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम वेजाइनल थ्रस कहते हैं, ऐसे केस में इससे जो है नहाने से वो चला जाता है। साथियों इट आल्सो रिलीव द सिम्टम सच एज बर्निंग, इचिंग ऑफ द स्किन, साथियों किसी तरह का इचिंग स्किन और डर्मेटाइटिस होता है, एंड टीनिया वर्सी कॉलर होता है उसमें भी, टीनिया वर्सी कॉलर साथियों क्या होता है कि चकत्ते पड़ जाते हैं, व्हाइट व्हाइट से पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पे, स्किन का विकार हो जाता है, फंगस या मिक्स इन्फेक्शन है अगर किसी तरह का माइक्रोएजेंट्स का, उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। साथियों ये बहुत ही अच्छा सोप है, इसको एक्सटर्नल यूज करना है साथियों, और ये इजी टू मतलब कैरी है, आप कहीं भी ले जाके जैसे जर्नी में जा रहे हैं तब भी इससे बात कर सकते हैं, और किसी तरह का रिंग वर्म, दाज, खाज, खुजली है खत्म हो जाता है। साथियों इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट है, हल्के फुली छड़ी जैसे नोजिया है, टेस्ट चेंज हो जाता है जो है कुछ खाते हैं, और क्या होता है वोमिटिंग होने के चांस होते हैं, ब्लिस्टर कभी कभी किसी को हो जाते हैं, और यह स्वेलिंग हो जाती है, और एप्लीकेशन साइट इरिटेशन लगता है कभी कभी, ऐसा केस बहुत रेयर होता है, अगर होता है तो तुरंत इसका सेवन बंद कर दें, अदरवाइज बहुत क्षणिक होगा और बंद हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट नहीं है। साथियों कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे, तो जब भी आपने कभी अगर क्लोट्राइमाजोल का सोप इस्तेमाल किया है, या क्लोट्राइमा कम्बिनेशन की क्रीम इस्तेमाल किया है, लिक्विड किया है, लोशन किया है, और उसमें जो है क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी है आपको, तो इससे इसका जो है सोप का इस्तेमाल ना करें।
प्रेग्नेंट महिलाएं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो है इसका इस्तेमाल नहीं, क्योंकि बच्चे के मिल्क में ये जाने के चांस होता है, स्किन पे यूज करते हैं। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही है तो ऐसे केस में इस सोप का इस्तेमाल ना करें। साथियों, प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया, कंट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर और जो हैवी मशीनरी जो है चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उनको जो है क्या होता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में हल्का सा सेडेशन के चांस हो जाते हैं, नींद लगने के चांस हो जाते हैं, झपकी लगने के, तो इसका सोप का इस्तेमाल ना करें। साथियों, इंट्रेक्शन की बात करेंगे। एम्फोटेरिसिन ग्रुप की अगर कोई दवाई चल रही है तो ऐसे केस में इस सोप का इस्तेमाल ना करें। साथियों, हाउ टू वर्क मूड ऑफ एक्शन, ये जो है बॉडी पे वर्क कैसे करता है, तो न्यूफोर्स सोप जो जिससे नहाते हैं ये क्या करता है, किल्स दी फंगल सेल, फंगस जो होता है, फंगी होती है, उसकी जो है सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है और उससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उससे क्या होता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। साथियों, डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे तो जब भी आप इसको परचेज करें, रीड द लेबल केयरफुल्ली, और ये क्या है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली है, और डू नॉट लेट इट गेट इन टू द योर आई, और इसको आंखों में ना लगने दें, जब भी नहाएं इससे बात करें, और इसको स्वेलो नहीं करना है, और जो है क्या होता है कि केयरफुल्ली इससे नहाना है। साथियों, बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है एंड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। साथियों, ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, बहुत सी कॉम्बिनेशन में ये सोप आता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, बट ये बहुत फेमस है न्यूफोर्स सोप। क्लोट्राइमाजोल 1% वेट बाय वॉल्यूम होता है साथियों इसके अंदर, इसकी MRP है 95.80 रुपीज़ होती है। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, नमस्कार।